शीतल स्क्रीन शो हो रही है आपको? Yes, okay. आज मैं आपको स्ट्रोक्स के बारे में बताऊंगी. फ्री हैंड डिजाइन हम लोग कर रहे थे कल, फ्री हैंड पेंटिंग. ठीक है, तो आज मैं आपको अलग अलग ब्रशेस से स्ट्रोक्स बताऊंगी. आपको फैब्रिक के ऊपर करना है. कल मैंने आपसे कहा था कि फैब्रिक और रिंग आपके पास रहनी चाहिए. तो मैं आज पेपर पे आपको पहले बताती हूँ, देन हम लोग फैब्रिक पे करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कलर लिया है एंड ब्रश लिया है. ये राउंड ब्रश मैंने लिया है. ठीक है, ब्रश को हम पूरा पेंट में डिप करेंगे और जितना हम लोगों का एक्स्ट्रा पेंट है उसको हम यही पर निकाल देंगे. ठीक है, हमें ज्यादा नहीं लेना होता है फ्री हैंड में, जितना लेना है उतना ही. ठीक है, और इतना लेना है कि ये ज्यादा सूखे भी नहीं और मतलब थोड़ा सा थोड़ा देर तक इसमें रहे, इतने क्वांटिटी में हमको लेना है. अब हम लोग जब फ्लावर्स बनाते हैं फ्री हैंड में तो हमारे पास सिर्फ डिजाइन होती है दिमाग में. ठीक है, यानी जो हमको लगता है हम वही पेंट करते हैं, हम लोग कहीं से कॉपी नहीं करते हैं. तो स्पेशली हम फ्री हैंड में ऐसे कुछ भी अपना फ्री हैंड लगा के हम लोग अपना डिजाइन क्रिएट करते हैं. तो यहाँ पे फ्री हैंड में हम लोग सबसे पहले स्ट्रोक्स ही देखेंगे. तो ये पहला जो राउंड ब्रश है हमारा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कभी कलियां बनानी होती है हमें तो हम इस तरह से ये करते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये डिजाइन. अभी ये ब्रश है मेरा एंड मैंने यहाँ पे एक इस तरह की कली बना ली है. अब इसके बाद वापस मैं इसको बढ़ाऊंगी और ये मेरा फ्री हैंड हो गया. ठीक है, यहाँ पे मैं कमल का डिजाइन कोई क्रिएट कर रही हूँ, कमल के फ्लावर का. ठीक है, मैम पेपर में आपकी शैडो दिख रही है, इसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा. सॉरी, फिर से कहिए. आपकी शैडो की वजह से दिख नहीं रहा मैम. ओके, अब शो हो रहा है? यस मैम. ठीक है, ये थोड़ा मुझे स्क्रीन यहाँ पे प्रॉपरली शो नहीं हो रही है. ओके, अब ठीक है ना. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने मतलब कम पेंट में हम लोग ब्रश को यूज कर रहे हैं. स्ट्रोक्स है ये हमारे राउंड ब्रश के. ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम लोग कोई भी फ्लावर क्रिएट करते हैं फ्री हैंड में.
सिर्फ स्ट्रोक्स का यूज किया जाता है फ्री हैंड में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने क्रिएट किया ये फ्लावर, एक कली है और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया ये फ्लावर। अभी इसकी मुझे लीव्स करनी है। ठीक है, ये एक फ्लावर मैंने बनाया है और मुझे इसकी लीव्स रेडी करनी है। रेड कलर मैंने यहाँ कर चुकी हूँ, अब मुझे ग्रीन कलर की नीड है तो मैं यहाँ ग्रीन लूंगी। बिल्कुल कम, मैंने सिर्फ टिप पे लिया है ग्रीन कलर। ठीक है, आप लीव्स का शेप इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको डिजाइन। ठीक है, ये फ्लावर है एंड इसके लीव्स है। यहाँ पे इस तरह से आपको फ्री हैंड ये डिजाइन आप कर सकते हो। शो हो रही है ना डिजाइन? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक राउंड ब्रश से स्ट्रोक्स देके यहाँ पे लोटस बनाया और यहाँ पे मैंने एक फ्लावर बनाया। ठीक है, एंड इसके लीव्स इस तरह से। तो ये हमने राउंड ब्रश से हमने अभी स्ट्रोक्स देखे, तो इसी से आपको अलग अलग स्ट्रोक्स पहले मैं सिखा देती हूँ। इस तरह से आप कोई भी फूल या कोई भी डिजाइन आप फ्लावर की बना सकते हो, इवन आप सीनरी भी बना सकते हो इससे। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रोक ये करोगे आप। ठीक है, इसका पूरा एक आपको ब्लॉक बनाना है या पूरे पेज पे आप ये करते जाओ तो आप इसका प्रैक्टिस कर पाओगे इजीली। आप इस तरह से स्ट्रोक्स रेडी करो, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। देन नेक्स्ट है आपका, आप इस तरह से भी बना सकते हो, जैसे मैंने बताया पत्ती का शेप हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, या इसी को हम लोग वापस ऐसे करें तो ये एक लीफ बन जाती है। ठीक है, देन हम इसको हाईलाइट करने के लिए सेंटर से हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है ये दिख रहा है आपको? ठीक है, सेंटर से हाईलाइट करने के लिए आप इसको किसी और कलर से हाईलाइट कर सकते हो, या इसकी आउटलाइन भी हम लोग ऐसे बना सकते हैं। पूरी नहीं बनानी है आपको, बीच में छोड़ना है ताकि आपका डिजाइन उतना अच्छे से हाईलाइट हो पाए। ठीक है, अब मैं फ्लैट ब्रश बताऊंगी आपको। फ्लैट ब्रशेस से आप फ्लावर कैसे कर सकते हो, ये हमने राउंड ब्रशेस का देखा स्ट्रोक्स। ज्यादा हमको लेना नहीं है क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में हमको कंटिन्यू करना है इसको, तो ब्रश में हम लोग उतना ही लेंगे, ज्यादा सूखना नहीं चाहिए ऐसा। देन आपको फ्री हैंड फ्लावर आप इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने कुछ भी पानी का यूज नहीं किया है, सिर्फ ब्रश की टिप को मैंने पेंट में यूज किया है। ठीक है,
डीप करके हम लोग कंटिन्यू इसका फ्लावर का डिजाइन कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। जैसा आपका फ्लावर आप करना चाह रहे हो वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया। अब इसके अलावा आप इस तरह से भी बना सकते हो फ्लावर्स। यहाँ मैं आपको सिर्फ शेप्स बता रही हूँ और स्ट्रोक्स बता रही हूँ फ्लैट ब्रशेस के। ठीक है, ये भी एक फ्लावर का पैटर्न है, आप इस तरह से भी बना सकते हो। इसके अलावा आप फ्री हैंड में एक छोटा एक बड़ा इस तरह से भी आप इसके पेटल्स बना सकते हो। ये फ्लावर भी एक बना सकते हो आप, ठीक है, छोटा बड़ा। इसके अलावा फ्री हैंड में फ्लावर्स की और डिजाइन आप बना सकते हो, बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो आप। बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हो साड़ियों पे या ड्रेसेस पे या अपने कर्टन्स पे इस तरह के। सिर्फ ये फ्लावर्स आप कॉर्नर अपना बॉर्डर्स पे आप लगा दो तो ये बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको और मैं एक डिजाइन बताती हूँ लीव्स की। आपको इस तरह से फोर पार्ट में इसको डिवाइड कर देना है लाइन ड्रॉ करके। हम कोई और शेड यूज कर सकते हैं इसमें फ्लावर, क्योंकि मैं लीफ बना रही हूं। सिर्फ मैं टिप को ही डिप करूंगी, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने पूरा ब्रश इसमें डिप किया तो फिर मेरा जो डिजाइन है, ठीक है, वो प्रॉपरली नहीं, वो पूरा ही फिल होगा पूरे डिजाइन पे। मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए कहीं, क्योंकि ये फ्री हैंड है, ठीक है। तो ये ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम लोग ये फ्लैट ब्रश से ही इस तरह का स्ट्रोक दे सकते हैं। अगेन इसके चारों कॉर्नर पे आप ये ड्रॉ कर सकते हो डिजाइन। फिर से मैं आपको शो कर रही हूँ यहाँ पे। जब तक आपका लिया हुआ पेंट का क्वांटिटी आपके ब्रश में ड्राई नहीं हो जाता तब तक आप इसको पेंट के अंदर डीप ना करें।
और हमें एकदम ज्यादा क्वांटिटी इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि ये फिर बाद में सूख जाता है और एक जगह जम जाता है, आपका ब्रश फिर मूव नहीं कर पाएगा। अगेन मैं यहाँ पे आपको शो करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ये चारों भी डिजाइन पे आपको ब्रशेस के अलग अलग स्ट्रोक्स दिख रही है, मतलब चारों साइड पे। यहाँ पे मेरा ब्रश ज्यादा ड्राई हो गया है तो मैं इसको पेंट में डीप किया मैंने। क्या समझ में आया आपको? तो आप ये सब, ये भी आप इसमें एक डिजाइन बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको और एक करके दिखाऊंगी। ये साइड ज्यादा अच्छे से दिख रही है आपको? ठीक से शो हो रहा है? Yes, ma'am. अगेन हम इसके फोर पार्ट्स करेंगे। ठीक है, ये डिजाइन आप पूरे सरफेस पे बना सकते हो, आपके ड्रेस पे कर रहे हो या बॉर्डर पे कर रहे हो। ठीक है, ये डिजाइन जो मैं अभी बता रही हूँ ये भी आप कर सकते हो, ये फ्री हैंड है, आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगेन मैं इसमें बहुत कम क्वांटिटी में ले रही हूँ, देखो मैंने बॉटल का यूज किया ही नहीं है, मैं इसका कैप का यूज कर रही हूँ बॉटल के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जितना भी ज्यादा है वो सब मैं यही पे इसको निकाल रही हूँ। देन ये फ्लैट ब्रश है, फ्लैट ब्रश का ही मैं आपको बताऊंगी। अब की बार हमने क्या किया था, ऊपर से लिया था, हम नीचे से इसका स्ट्रोक लेंगे। इस तरह का भी आप कर सकते हो। ये डिजाइन बहुत जल्दी बन जाते हैं और आपको ये डिजाइन बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इजीली आप इसको, आपका पेंटिंग बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको इसी में फ्लावर और एक क्रिएट कैसे करते हैं बताती हूँ। सेंटर हमने ड्रॉ किया। ठीक है, अब जो ये स्ट्रोक्स हमने दूर दूर किए थे, अब इसको पास करना है और बिल्कुल ड्राई ब्रश की तरह हमको यूज करना है, बिल्कुल कम क्वांटिटी में पेंट होना चाहिए हमारे पास। सेंटर पे मैंने एक पहले फ्लावर बना लिया। अब इसी फ्लावर के
जहां पे हमने यहाँ पे ड्रॉ किए थे लाइंस, वहां से ड्राई ब्रशेस के मैं स्ट्रोक स्टार्ट करती हूँ, जैसे हमने स्टार्टिंग में इस वाले लीफ के डिजाइन पे हमने किए थे। ठीक है, आप लोगों ने फैब्रिक के ऊपर करना है इसको। फैब्रिक के ऊपर इसका टेक्सचर बहुत ही प्यारा दिखता है। एंड इसको हाईलाइट करने के लिए आप किसी भी और ब्रश का यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे जीरो पॉइंट का यूज करूंगी इसको हाईलाइट करने के लिए फ्लावर को। और इसके साथ में कोई और कलर भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमने ये थ्री डिजाइन अभी मैंने आपको बना के दिखाई है। ठीक है, इसी तरह और भी कुछ है, वो डिजाइन मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने और देखे, यहाँ पे फ्लावर्स के पैटर्न देखे, सबसे पहले राउंड ब्रश का, देन फ्लैट ब्रश। ये भी हमने फ्लैट ब्रशेस का ही यूज किया है, वैसे ही आप राउंड ब्रशेस का भी यूज कर सकते हो। अगेन मैं आपको एक फ्लैट ब्रश का दिखाऊंगी, इस पे आप 9 नंबर के फ्लैट ब्रश का यूज कर सकते हो। डायमेंशनल अगर आपको दिखानी है तो आप कर सकते हो ये। सिर्फ टिप के ऊपर मैंने लिया है, पूरे ब्रश को पेंट नहीं लगाया है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, सिर्फ टिप के ऊपर मैंने इसको लिया है पेंट को। ठीक है, इस तरह से आप इसका, इस तरह से आप ये लीफ का डिजाइन बना सकते हो ये। ठीक है, और एक मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ बना के। ये डिजाइन्स का एक फायदा यही है कि ये अगर ओवरलैप होती भी है, एक के ऊपर एक जाती भी है, तो हम लोग को इतना
इतना फर्क नहीं पड़ता ये डिजाइन्स जब, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत तभी दिखती है जब एक के ऊपर एक आता है, ठीक है। इसके स्ट्रोक्स एक के ऊपर एक आते हैं तभी वो सुंदर ही दिखाई देता है। देन इसके अंदर आप ड्राई ब्रश से फिलिंग कर सकते हो। बट आपका स्ट्रोक जिस तरफ जाए उसी तरफ आपको मूव करना है अपना हैंड्स, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। देन इसको हाईलाइट करने के लिए अगेन आप कोई और कलर का यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। ये आपका ये डिजाइन भी आप इस तरह से बना सकते हो फ्री हैंड में। और फ्री हैंड में छोटे छोटे डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे स्ट्रोक्स के साथ आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे अगेन मैं छोटा फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ, 1 नंबर का। इसका नंबर है 1। ये डिजाइन भी आप कर सकते हो। आप ये बॉर्डर पे कर सकते हो ये डिजाइन। इसके अलावा इसको हाईलाइट करने के लिए आप बाद में इस तरह के ब्रश ब्रश को ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। ये भी आप एक डिजाइन बना सकते हो फ्लावर के लिए। भी हम वापस राउंड ब्रश का यूज करेंगे। सेम डिजाइन हम राउंड ब्रश में भी कर सकते हैं।
आप जितना छोटा करोगे डिजाइन को उतना ही ये और प्यारा दिखता है। सिर्फ यहाँ पे मैं स्ट्रोक्स का यूज कर रही हूँ और कोई डिजाइन टेक्निक इसमें यूज नहीं हो रही है। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। पीकॉक फेदर इजीली बना सकते हो फ्री हैंड में। बहुत कम क्वांटिटी में आपको लेना है कलर। एंड यहाँ पे पिकॉक डिजाइन के लिए हम एक फेदर बनाएंगे। यहाँ पे हमारा फेदर ये बन गया है। जब ब्रश आपको ड्राई हो जाए तो आप इस तरह से इसको सरफेस पे ड्राई ब्रश चलाइए ताकि आपका जहाँ पे व्हाइट पोर्शन हो वो कवर हो जाए थोड़े हद तक। ठीक है, कहीं कहीं पे स्ट्रोक्स हमारे प्रॉपरली नहीं आते हैं जहाँ पे हमको चाहिए होते हैं, तो स्पेस आपकी वहां पे दिखाई देती है। तो ये आपका स्ट्रोक जो है वो जहाँ छूट जाता है वहां पे ड्राई ब्रश आपको हेल्प करता है वो स्पेस को भरने के लिए। नेक्स्ट हम लोग इसमें सेंटर हम कर रहे हैं इसका। इसमें हम पर्ल कलर भी यूज कर सकते हैं, मैंने कल आपको बताया था पर्ल कलर का भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। आपको फैब्रिक कलर्स में पर्ल कलर भी मार्केट में अवेलेबल है इजीली।
थोड़ा सा येलो कलर यहाँ पे मैंने किया है ग्रीन के ऊपर। ग्रीन मेरा ज्यादा सूखा नहीं था, इसको ड्राई होने देना चाहिए। अगर ये ड्राई नहीं होता और दूसरा आप इस पे पेंट करते हो तो वो प्रॉपरली इसके ऊपर आएगा नहीं, वो मर्ज होके आएगा। ठीक है, तो आप उसको सूखने देना है आपको। थोड़ा सा इस पे व्हाइट, इसको गोल्डन आपको करना है तो गोल्डन में आपको यहाँ पे मेटालिक पाउडर भी आपको इस कलर में मिलता है, या तो फिर एक येलो गोल्डन आपको कलर अवेलेबल होता है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं डायरेक्ट यहाँ गोल्डन कलर यूज कर रही हूँ। एंड सेंटर पे एक फाइनली गोल्ड। आप चाहे तो ये फेदर इस तरह से बना के कर सकते हो, या तो इसको अपना ही कुछ अलग देने के लिए आप इसमें कोई और कलर भी कर सकते हो, जैसे पिकॉक कलर के अलावा और कोई और कलर भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे रेड हो गया, मजेंडा कलर आप इसमें ऐड कर सकते हो। मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे मजेंडा कलर, बट ये पानी के साथ थोड़ा ज्यादा मर्ज किया है मैंने, लाइट पिंक शेड आपको यहाँ पे नजर आएगा, हल्का लाइट पिंक। इसके बाद अगर आपको इसी फेदर को और थोड़ा अच्छा लुक देना है तो आप अपनी पेंटिंग के ऊपर ये जो पाउडर होता है गोल्डन का, इससे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा रियलिस्टिक इसको फील आता है आपकी पेंटिंग को। स्पेशली मैं पिकॉक फेदर अगर मुझे किसी डिजाइन में बनाना रहा तो मैं इसका यूज करती हूँ। तो यहाँ पे आपको ये फेदर दिख रहा है, हो रहा है शो आपको क्लियरली? Yes, ma'am. ठीक है, तो इस तरह से आप पिकॉक फेदर भी बना सकते हो। ये फ्री हैंडेड हैंड डिजाइन होते हैं सारे जो आज मैंने आपको बताए हैं। कल हम फैब्रिक पे फ्री हैंड करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे मैं आपको एक फ्लावर बनाकर दिखाती हूँ और फ्री हैंड की डिजाइन बनाकर दिखाती हूँ। ठीक है, जो मैंने कहीं से कॉपी की नहीं है और वो आप भी नहीं करते हो कॉपी, इजिली आपके माइंड में ये डिजाइन डेवलप हो जाती है। ठीक है, जब भी हम फ्री हैंड रंगोली बनाते हैं या कोई डिजाइन बनाते हैं तो हम लोग इजीली खुद से वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक मैं आपको यहाँ पे डिजाइन बनाकर दिखाती हूँ। जहां जहां मुझे फ्लैट बनाने में वहां वहां बना सकती हूँ। सिर्फ फ्लैट ब्रश का ही यूज कर रही हूँ मैं, और किसी ब्रश का यूज नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहो तो जैसे
इसके स्टेम्स बनाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो राउंड ब्रश का, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक ही ब्रश से वर्क करना है। इस तरह के डिजाइन्स आपने काफी जगह आपको दिखने को मिले होंगे। तो ये सारी फ्री हैंड डिजाइन्स होती हैं। यहाँ पे हम लीव्स जैसे आपको करना है इस तरह से आप कर सकते हो। अगेन ये डिजाइन को मैं बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ पे कोई भी लीफ का शेप देकर या टेंड्रिल्स बनाकर मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। टेंड्रिल्स हम लोग बहुत इजीली बना सकते हैं इस तरह से, राउंड राउंड एंड छोड़ दो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये डिजाइन क्रिएट होता है। अब मैं आपको जीरो या फिर कोई भी आपको एक राउंड ब्रश से बताती हूँ। अब यही डिजाइन को मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ जहां पे मुझे फ्लावर चाहिए वहां मैं फ्लावर के लिए जगह छोड़ रही हूँ। आप लोग रंगोली अगर बनाते हो कोई तो इस तरह के डिजाइन्स काफी बनाते होंगे। यहाँ पे मैं लीव्स राउंड ब्रश से ही करूंगी, को हाईलाइट कर देते हैं सेंटर से। आप हाईलाइटिंग के लिए कोई और कलर भी यूज कर सकते हो, पर यहाँ पे मैं डार्क टू लाइट शेड यूज कर रही हूँ। कलर कॉम्बिनेशंस का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आप ब्रशेस के स्ट्रोक्स का प्रैक्टिस करोगे तो आपका ब्रश अपने आप ही मूव होने लगेगा, ठीक है। जैसे आपका हैंड मूव होगा वैसे ही आपका ब्रश के स्ट्रोक्स नए नए आएंगे। यहाँ पे मेरा ये बन चुका है, मुझे सिर्फ फ्लावर्स बनाने हैं। अगेन मैं यहाँ पे मैंने फ्लैट ब्रश का यूज किया ऊपर, अभी मैं राउंड ब्रश का यूज कर रही हूँ फ्लावर्स बनाने के लिए। एंड लीव्स भी मैंने इवन ये पूरा पोर्शन जो पैच है ये मैंने राउंड ब्रश से ही बनाया है। इसमें हम थोड़ा व्हाइट भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको फ्लावर में कुछ नया कुछ दिखाना है, शेड्स आपको चेंज करने हैं तो आपको अलग से पैलेट में कलर
लेकर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डीप डीप कर दीजिए आप किसी भी कलर में, व्हाइट के साथ या कोई भी कलर के साथ, तो आपका शेड बन के रेडी हो जाता है। फ्लावर्स बन गए हैं, अभी मैं इसको डिटेलिंग देने के लिए मैं इसको सेम राउंड ब्रश है, मैं कोई ब्रश चेंज नहीं कर रही हूँ। मेरे फ्लावर्स बन गए, ये इसके जो डंडिया है वो भी बन गई है। अब मैं इसके जो फ्लावर के नीचे होता है, पेटल्स के नीचे, डिटेलिंग आप देने के लिए बहुत टाइम ले सकते हो, डिटेलिंग्स के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा फ्री हैंड डिजाइन रेडी हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक अलग फ्लावर्स बताए हैं फ्लैट ब्रश से, यहाँ पे राउंड ब्रश से मैंने आपको बताए हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से कौन सा ब्रश यूज करके कौन से डिजाइन बनाने हैं। ठीक है, तो ये इजी है फ्री हैंड टेक्निक, कल हम इसको फैब्रिक के ऊपर करेंगे। ठीक है, सेम डिजाइन फॉलो करेंगे हम, ये वाली राउंड ब्रश की पहले हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, और उसके उस प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, ये सारे स्ट्रोक्स आपको बनाने हैं। ठीक है, ये सारे स्ट्रोक की आपको प्रैक्टिस करनी है, जितने भी मैंने स्ट्रोक्स सिखाए हैं आज, ये सारे। ठीक है, तो आपको इसमें पेंट का यूज ज्यादा नहीं करना है, ना ही पानी का यूज करना है इसमें, आपको सिर्फ ब्रश और पेंट की क्वांटिटी बहुत ही कम रखनी है। और इस तरह के जो भी मैंने अभी यहाँ पे स्ट्रोक्स बताए हैं, राउंड ब्रश से लेके फ्लैट ब्रश तक, ये सारे आपको प्रैक्टिस करनी है। अगेन मैं आपको बताती हूँ, ये फ्लैट ब्रश से मैंने किया है, इसमें राउंड ब्रश का यूज नहीं है। ये भी फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, ये भी फ्लैट है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये फ्लैट ब्रश से किया है तो आपका राउंड ब्रश से नहीं आएगा, आपको राउंड ब्रश से भी ये करके देख सकते हो। अगेन यहाँ पे मैंने ये जो भी फ्लावर्स के मैंने यहाँ पे टाइप्स सिखाए हैं आपको, ये सारे आपको फ्लैट ही ब्रश से करने हैं। ये जो है ये राउंड ब्रश से किए गए हैं, ये दोनों भी और ये वाले भी। ठीक है, यही स्ट्रोक्स हमने इस वाले डिजाइन में बनाए हैं। ये जो डिजाइन आपको ऊपर दिख रही है राउंड ब्रश की, यही हमने राउंड ब्रश के स्ट्रोक सबसे पहले सीखे थे। देन ये जो डिजाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये हमने फ्लैट ब्रश से बनाई हुई डिजाइन है। ठीक है, तो इसके आपको प्रैक्टिस करनी है रोज,
और कल हम लोग इसी पेंट स्कीम को हम लोग फैब्रिक के ऊपर हम लोग करके देखेंगे कल, ठीक है। तो आप लोगों के सामने ही रहेगा, ये सेम कलर कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और भी कलर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, बट आपको कॉम्बिनेशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब इसकी डिटेलिंग हम लोग और भी कर सकते हैं अच्छी तरह से, जैसे ये आपको कहीं पे खाली खाली नजर आ रहा है तो आप कोई और कलर लेके, लाइट कलर हो या कोई पर्ल शेड हो, उससे आप इसका एक पोर्शन आप कलर कर सकते हो इजीली, ताकि ये शाइन करे। यहाँ पे मैंने पर्ल कलर का यूज किया है, पर्ल ग्रीन कलर का। और इसी के ऊपर मैं डार्क ग्रीन से इसको हाईलाइट करूंगी। जहां पे मुझे लग रहा है कि या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे खाली खाली सा लग रहा है, इसे मुझे हाईलाइट करना चाहिए, तो मैं इस तरह से इसको शेडिंग देकर हाईलाइट कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये लीफ में आपको थोड़े चेंजेस आपको नजर आ रहे होंगे, इसमें मैंने किए हैं चेंजेस। ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का इसमें यूज किया है, पर्ल ग्रीन का। एंड यहाँ पे मैंने ड्राई स्ट्रोक्स ही दिए हैं, कोई उसमें वाटर कुछ भी ऐड नहीं किया है मैंने, ठीक है। बाकी की लीव्स आपको यहाँ पे स्पेस दिख रही है, यहाँ पे स्पेस नहीं दिख रही है, ये चेंजेस है इसमें, ठीक है, ये डिजाइन में। आपको शो हो रही है सबको डिजाइन, स्ट्रेट दिख रही है आपको सीधी? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे ये जो लीफ बनी है इसमें स्पेस है, ठीक है, और इसमें नहीं है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको सिंगल लीफ दिखानी है या डबल लीफ दिखानी है, डिपेंड करता है आपके डिजाइन के ऊपर। जैसे इसको मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर से ज्यादा मर्ज करके यहाँ पे प्रॉपरली उसको एक फ्लावर का दिया है, तो वैसा ही यहाँ पे एक स्पेस यहाँ पे आपको दिख रही है, तो ये खिलता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह के आपकी इमेजिनेशंस खुद क्रिएट करके आपको फ्री हैंड डिजाइन बनानी है। तो कल हम लोग फ्री हैंड डिजाइन ही करने वाले हैं, ठीक है। तो सीधा हम लोग फैब्रिक के ऊपर करेंगे कल, कोई पेपर का यूज नहीं होगा। और मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग को भी करना है, तो ये चीज आप लोग को भी कल फैब्रिक के ऊपर करना है, एंड स्क्रीन आपकी ऑन रहेगी, ठीक है। ओके, कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं आप। नहीं है? ओके, तो कल हम वापस यही डिजाइन कल मैं फैब्रिक के ऊपर आपको करके दिखाऊं।